तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। आप और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीते दिन आपने बीजेपी पर कई हमले बोले थे, वहीं बीजेपी ने फिर एक बार आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले लिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आपके पाप धोते धोते यमुना भी मैली हो गई है। सत्येंद्र जैन का जिक्र करते हुए बीजेपी ने कहा कि जेल में होने के बाद भी मंत्री पद से नहीं हटाया गया है। जेल में मसाज से लेकर पैक्ड फूड की सेवा दी जा रही है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। पार्टी का कहना है कि आप लगातार धोखा देने का काम कर रही है। जेल में होने के बाद भी सत्येंद्र जैन को पद से नहीं हटाया गया है, यहां तक कि पोक्सो के केस में अंदर व्यक्ति उनका नजदीकी बन गया है। तो जो अभी वीडियो मैंने देखा तो एक्चुअली मन बहुत विचलित होता है, खराब होता है कि इस प्रकार की आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति को बदनाम करते हैं और राजनीति में काम करने वाले व्यक्तित्व को भी बदनाम करते हैं। और मुझे कुछ पंक्तियां सुबह याद आ रही थी काका हाथरसी की, एक बहुत फेमस पोएम कविता है जिसमें उन्होंने कहा था तन उजला मन मैला भाषण लच्छेदार सत्य बाहर ऊपर सत्याचार अंदर भ्रष्टाचार। तो ये बिल्कुल पंक्तियां जो हैं आम आदमी पार्टी पर स्थापित होती हैं और उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान करती हैं कि लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो हैं राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उग्राई का काम करता है, फिरौती का काम करता है, और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। ईमानदारी, नैतिकता और चरित्रवान होने का दावा चुनाव से पहले करते रहे और यही दावा करते करते वो सत्ता में आए। उनकी नैतिकता और अंतरात्मा मर चुकी है। आज मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, श्री सत्येंद्र जैन 30 मई से जेल में है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी 48 घंटे तक हिरासत में रहे उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, और जो सैलरी किसी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को मिलती है तो केवल 30% सैलरी दी जाती है। दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन लगभग पिछले 6 महीने से जेल में है। अरविंद केजरीवाल, आज आपको जवाब देना पड़ेगा।